प्रयागराज के झलवा इलाके में स्थित नेशन प्राइड स्कूल में सोमवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिता में बड़े ही जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस अजय भनोट मुख्य अतिथि तौर पर शामिल हुए, जबकि मेजर जनरल अरविंद चौहान बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों की हौसला अफजाई की। जस्टिस अजय भनोट ने खेलों को बच्चों के विकास के लिए बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ ही साथ स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं भी होनी चाहिए, इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। हो रही है, किस प्रकार से उन्होंने इतने अनुशासन से और कड़ी मेहनत से इस अपनी उपलब्धियों को हमारे सामने रखा है, ये बच्चों के ही उज्ज्वल भविष्य को नहीं दर्शाता, परंतु इससे मैं पूरी आशा करता हूँ कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल होते हुए मैं देख रहा हूं। और जो फाउंडर रहे हैं अब्बास सर सीनियर, उनकी जो दूरंदेशी थी, उनका जो विजन था, उसको सही होता हुआ, द विजन कमिंग अलाइव इज समथिंग व्हाट वी आर ऑल सीइंग ओवर देयर। सो माय बेस्ट विशेस टू द स्टाफ एंड द वंडरफुल चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल। मेजर जनरल अरविंद सिंह ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, इसमें रेस है, पीटी डिस्प्ले है, मार्च पास है, ये सारे कॉम्पिटिटिव इवेंट्स हैं। और इस 2 घंटे को प्रोग्राम करने के लिए पिछले हम लोग 1 महीने से इस पर वर्क कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को भी ठीक लगा होगा और शायद हमारी कोशिश कुछ दिख रही है ऑन द फील्ड। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के समापन के मौके पर नेशनल प्राइड स्कूल एंड कॉलेज के निदेशक हुसैन अब्बास ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आयोजन में 4 चांद लगाने वाले सेना के बैंड का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।